बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय डियर सेवन क्लास स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान मीर, योर इंग्लिश टीचर। हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। कम नियर योर मोबाइल्स, वट एवर यू हैव, लैपटॉप्स, वट एवर यू हैव, बिकॉज नाउ वी हैव आर इंग्लिश टाइम। और इंग्लिश में बेटा हमने जो आई हैव फिनिश्ड लेसन नंबर 4, सो कम टू इट्स क्वेश्चन आंसर्स टुडे। तो आप अपने और जो मार्कर्स वगैरह हैं और रजिस्टर्स, उसको ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं करवाने लगा हूँ, करने हैं अपने खुद हैं। आई हैव टू गाइड यू पीपल, रिटन मटेरियल भी आपको दे रहा हूँ। हेयर वी हैव अ रिटन मटेरियल। आप अपनी बुक के पेज नंबर आ जाइए 21 पे, और उसके ऊपर जो सिंधबाद और हिंदबाद वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, तो बेटा उसके क्वेश्चन हैं और इनके आंसर्स आई एम प्रोवाइडिंग यू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज हिंदबाद एंड वेयर ही लिव्ड। हिंदबाद कौन था, कहाँ रहता था, बताइए। आपने सारा लेसन पढ़ा है बेटा, कहाँ कौन था? सिंपल, पुअर पॉटर था। कहाँ रहता था? बगदाद में रहता था। अब इसी को आप एक इसका यही जो चीज़ है जो आपने सुनी है, इसको आप अरेंज कर दें टेंस वाइज। पास्ट में ले जाना है, हिंदबाद वाज अ पुअर पॉटर एंड लिव्ड इन बगदाद, ये पास्ट में होगा। पुअर पॉटर था, बगदाद में रहता था। इज इट क्लियर राइट ना बेटा? दूसरे पे आ जाए, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सिंधबाद। सिंधबाद का कैरेक्टर, सिंधबाद कैसा था, सिंधबाद कैसा था जी? हिंदबाद तो था ना पोर्टर, लेकिन जो सिंधबाद था वो कैसा था आपको? काइंड था, हार्ड वर्किंग था, करेजियस था, ब्रेव सेलर था। पता है ना आपने, उसने बड़ी एडवेंचर्स की थी, तो ब्रेव सेलर तो था। और उसने सारा पैसा कैसे कमाया था? उसने सारा पैसा हार्ड वर्क से कमाया था। और मैंने आपको लेसन के एंड में एक बात बताई थी, मैंने बात ये बताई थी बेटा, इस पूरे लेसन को अगर आप समराइज करें 3 वर्ड्स में, तो आप कह सकते हैं नेवर गिव अप। तो ये भी उसी की खूबी थी कि वो चीज़ों को गिव अप नहीं करता था। अब इसी को अगर आप अरेंज कर दें, सिंधबाद वाज अ काइंड, हार्ड वर्किंग, करेजियस, मेहनत करने वाला था, बहादुर था, ब्रेव सेलर था, हु वर्कड हार्ड एंड नेवर लूज होप, जिसने हमेशा मेहनत की, एंड ही अर्नड ऑल हिज मनी थ्रू हिज हार्ड वर्क। और अगर आप इस पूरे लेसन को देखें, तो इसकी इसका जो मॉरल लेसन बनेगा वो यही होगा कि नेवर लूज होप, नेवर लूज होप, नेवर गिव अप। मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, दिस इज व्हाट ऑल। नंबर 3 पे आ जाएं बेटा, व्हाई वाज हिंदबाद एक्सक्लेम्ड व्हेन ही सैट अंडर अ ट्री। जब हिंदबाद दरख्त के नीचे बैठा था तो क्या कहा था उसने? ही वाज डिसअपॉइंटेड, यू नो, याद है ना, मायूस था। और मायूसी के अल्फाज, व्हाई वाज हिंदबाद इंजेंटेड व्हेन ही सैट अंडर अ ट्री। हिंदबाद वॉज इंजेंटेड बाय द सॉफ्ट मेलोडियस म्यूजिक एंड द रिच सूदिंग फ्रेगरेंस। हाँ जी, जब वो दरख्त के नीचे बैठा तो किस चीज से मैं मशहूर हुआ था? वो मशहूर हुआ था सॉफ्ट मेलोडियस म्यूजिक थे और रिच सूदिंग फ्रेगरेंस से, जो कहाँ से आ रही थी? कमिंग फ्राम इन साइड, जो कि सिंधबाद के घर से आ रही थी। ये 2 चीज़ें थी जिसने उसको क्या किया था, कैप्टिवेट किया, इंचेंट किया, इंचेंटेड, ही वाज इंचेंटेड। ओके, दो चीजें कौन सी हैं? सॉफ्ट मेलोडीज म्यूजिक एंड द रिच सूदिंग फ्रेग्रेंस, बेहतरीन खुशबू जो उसके घर से आ रही थी, कमिंग फ्रॉम इनसाइड। ओके, व्हाई डिड ही एक्सक्लेम लाउडली, अब उसने ऊंची ऊंची आवाज में क्या कहा, क्या कहने लग पड़ा था? यू नो, बड़ा मायूस हुआ।
जब उसने ये देखा कि जी मेलोडियस म्यूज़िक है जी, बड़ा ज़बरदस्त मौसीकी है, फिर फ्रेग्रेंस को जब उसने फील किया तो मायूसी के अल्फाज बोलने लगा था। कौन से अल्फाज थे जी, मैं क्यों गरीब हूँ जबकि दूसरे लोगों के पास इतनी दौलत है। तो एक लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया था, डिस्क्रीपेंसी, फ़र्क, इख्तलाफ। तो इसी को आप बेटा टेंस वाइज जोड़ दें। ही एक्सक्लेम लाउडली, वाई एम पुअर, मैं क्यों गरीब हूँ, वाई एस सम पीपल आर वेल्दी, दूसरे लोग क्यों अमीर हैं। अब उसकी आप एग्जाम्पल में सिंदबाद ले लें, एंड वाई दिस डिस्क्रीपेंसी, ये फ़र्क क्यों, ये इख्तलाफ क्यों। और फिर उसको सिंदबाद ने अंदर बुला के सारा समझाया था कि मिस्टर हिंदबाद, यू हैव टू वर्क हार्ड इफ़ यू वॉन्ट टू बी वेल्दी। रोने धोने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। यस, वे आर द सीक्रेट्स ऑफ सिंदबाद वेल्थ एंड रिचेज। सिंदबाद की दौलत जो थी, उसके सीक्रेट, उसके राज क्या था, उसका राज क्या था। द सीक्रेट ऑफ सिंदबाद वेल्थ एंड द रिचेज इज हार्ड वर्क। मैंने आपको लेस इसके क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया है कि उसका सीक्रेट क्या था। उसकी हार्ड वर्क थी एंड फेसिंग हार्डशिप्स इन न्यूमरस वॉयजेस। ही वॉज अ बिग सेलर, एंड वो जो था सिंदबाद, वो सेलिंग पे जाता था और एडवेंचर्स करता था। ही वर्कड वेरी हार्ड ऑल इज लाइफ। और फिर उसने एक मैसेज भी एंड पे छोड़ा, अगर हम सारी कहानी को पढ़ें, वो क्या था, नेवर लूज होप, नेवर लूज हार्ट, कम ऑन इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सीडेड, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो बेटा उसकी दौलत के पीछे क्या था, उसकी हार्ड वर्क थी और उसकी हार्डशिप्स थी दैट ही हैज़ बीन फेसिंग। ओके, तो ये थे आपके सवाल जो आप मैंने फिर भी डिटेल से बता दिए, हालांकि हमने कहानी बड़ी डिटेल से पढ़ी थी। अब आप एक पेज नंबर, आपकी बुक का जो पेज नंबर है ना बेटा, उसके यस 21 पेज पे रहिए, बी पार्ट देखिए। आपने कुछ लाइनें हिंदबाद के बारे में लिखनी है और कुछ सिंदबाद के बारे में लिखनी है। तो ये आप तीन तीन चार चार पाँच पाँच बनी हुई, आप बेशक चार चार लिख लीजिएगा, हिंदबाद का लिख लीजिएगा और फिर सिंदबाद का लिख लीजिएगा। हिंदबाद में क्या लिखेंगे, कहानी पढ़िए, खुद से लिख लेंगे आप। वो पॉटर था, अच्छा जी, वो बड़ा मायूस रहता था, वो ही कंप्लेन दैट ही वॉज अ पुअर। और सिंदबाद में चले जाएंगे, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वेरी काइंड हार्टेड। इसी क्वेश्चन आंसर में पड़े हुए। अब बेटा आप इसके पेज नंबर 22 इसको लीव करिएगा, अभी रहने दीजिएगा, पंक्चुएशन है वो मैं आपको खुद से समझाऊंगा फिजिकली व्हेन वी विल मीट। तो 23 पे आ जाइए। 23 का पहला पार्ट है, 23 पेज है बेटा, उसका पहला पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन है जी। तो इसके रादर बी पार्ट पे आ जाएं, बी पार्ट पे, ए की बजाय बी पार्ट पे आ जाएं। सजी वोकैबुलरी दी हुई है, चूज द टू वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट मीन द सेम। अपने सिमिलर वर्ड्स देने हैं, जिस तरह यहाँ पे पहला लिखा हुआ है स्पेशली, तो पर्टिकुलरली लिखा हुआ है, ऑथर लिखा हुआ है तो बेटा इसके सामने आपने राइटर लिख देना है जी। बारो लिखा हुआ है तो टेक अ लोन जिस तरह कह सकते हैं आप, चीप लिखा हुआ है तो उसके बाद रिसेंटली लिखा हुआ है, लास्टली लिख सकते हैं डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। ये आप खुद से करिएगा इसको क्रिएटिव। फिर है जी वर्ड स्ट्रक्चर, आपने वर्ड्स बनाने हैं, जिस तरह तीसरा वर्ड लिखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको डेली बना दें। चौथे में देखें आप मंथ बन जाएगा, इस तरह आप खुद सोच सोच के बनाइए। उसके बाद बेटा आप आ जाएं यस ई पार्ट पे, एड टू लेटर्स टू मेक वर्ड्स। वर्ड्स बनाने हैं जी बेटा, जिस तरह पहला क्लू है ना, तो उससे क्लाउड बना दिया उन्होंने, इस तरह। अब चौथा देखें, IND लिखा हुआ है तो इसको ग्राइंड बन सकता है ऐसे, ठीक है बेटा। अब आप आ जाए बेटा पेज नंबर 24 पे, उसकी वोकेबलरी, हाँ वोकेबलरी कर लीजिए, वर्ड्स दिए हैं, मैच द रिलेटेड वर्ड्स, कह रहा है जी रिलेटेड वर्ड्स मैच करें आप। जिसका लाइब्रेरियन है तो इससे रिलेट क्या हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं,
जिससे आर्किटेक्ट है तो इससे रिलेट क्या हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, जिससे नंबर 9 पे लिखा हुआ है डॉक्टर तो इससे रिलेट क्या हो सकता है, पेशेंट हो सकता है। ओके इज इट क्लियर, सो बाकी खुद करिएगा। नीचे जी ट्रू फॉल्स है ये कर लीजिए। हिंदबाज अबाज रिच मैन, रिच मैन था नहीं, रॉन्ग हो गया ना। हिंदबाज लिव्ड इन बगदाद, यस ठीक हो गया। हिंदबाज वॉज वेरी हैप्पी विद हिज वाइफ, रॉन्ग फॉल्स। और नंबर 8 पे आ जाए, सिंदबाद वाज एन एंग्री मैन, क्या एंग्री मैन था, नो वो तो एंग्री मैन नहीं था ना, ये रॉन्ग हो गया। बाकी आप दो चार खुद करिए। नीचे है जी आपने बताना है कि ये क्या है ऑर्डर इनका, ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट्स हैं जिससे ये लिखा हुआ है। आई होप दैट यू हैव अ माई स्ट्रिप और इसका आपने विशेज, हाँ W डाल दीजिए, जो भी हो ऑर्डर है तो O लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट है तो आपने S लिख देना है, ठीक है। दूसरे पे दे डू नॉट स्पीक टू मी लाइक दैट, ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया ना। अब पांचवें पे देखें, डिनर इज नियरली रेडी, ये स्टेटमेंट हो गया, एक दो रह गए वो भी कर लीजिएगा। अब है जी आखिरी पार्ट है जी इसका E, और इसमें आपने 10 वर्ड्स विल बी रेड अलाउड, लिसन एंड राइट देम करेक्टली। 10 वर्ड्स आपने लिखने हैं और इनके स्पेलिंग्स भी याद कर लेने हैं साथ। सो दैट वाज योर चैप्टर नंबर 4। अब हम इससे अगले चैप्टर पे पहुंचेंगे। ज़रा अपनी वर्कबुक्स निकाल लीजिएगा, शायद हमने इसको कर लिया था, लेटर्स कर लिए थे। पेज नंबर 49 पे आ जाएं, उसमें बेटा लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर रिमीजन ऑफ फाइन, फाइन जो था ना उसके लिए। तो आपने प्रिंसिपल लिख के उसके बाद आपने स्कूल का नाम देना है, और फिर आपने सर या मैडम वट एवर आपने लिख के, तो आपने ये नीचे लिखा हुआ है स्टेट रिम आई आई रिमेड एबसेंट फ्रॉम स्कूल, ये आगे लिख देना है। और ये सारी की सारी ऊपर लिखी हुई है, इसका डिफिकल्ट वर्ड्स निकाल के नीचे इसको लिख लीजिएगा। और दूसरी आपकी एप्लीकेशन है बेटा फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ रहे हैं उसकी रीज़न देना है जी आपने कि जी मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, सो आई एम गोइंग समवेयर एल्स, सो प्लीज़ अलाउ मी अ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट लेना है। देखो ये क्या लिखा हुआ है जी, माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू रावलपिंडी, किसी भी शहर में जा सकते हैं आप। माई फैमिली इज़ टू शिफ्ट टू रावलपिंडी, खानदान भी साथ जा रहा है। सो ये दो चार लाइनें लिख के नीचे आपने वो लिखा हुआ है, वुड यू काइंडली इश्यू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारी बेटा लिखी हुई है नीचे, लिख के आपने याद भी कर लेनी है। सो दैट वॉज इट फ्रॉम योर वर्क बुक टिल पेज नंबर 52। अब मैं आपकी जो वर्क बुक है बेटा, ये पीछे आपके टेंसेज रहते हैं, अब मैं पीछे से आपके टेंसेज शुरू करवाने जा रहा हूँ। तो जो पहला टेंस हम करने जा रहे हैं वो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट थॉरली आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रेजेंट परफेक्ट इज, और फिर उसके ऊपर मैं लेक्चर देके जो इस वर्कबुक पे जुमले दिए गए हैं मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपको क्लियर करूँगा। होप सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड टुडे, और इसको समझ के दोबारा दोबारा सुन लीजिएगा, और समझ के इसको आपने चीज़ों को याद कर लेना है साथ और लिख भी लेना है। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।